हेलो दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ तरंग तो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि चाइना पीसीबी का जो पावर सेक्शन होता है मेनली ट्रांजिस्टर पावर सेक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर पावर सेक्शन का अंदर कौन पोजिशन में कितना वोल्ट मिलेगा और मिलना चाहिए वो आपको प्रैक्टिकली ये वीडियो के अंदर टेस्ट करूँगा अलग अलग मीटर लेके ठीक है दोस्तों और ये वीडियो लास्ट तक वॉच करेगा तो आपको जरूर हंड्रेड परसेंट अलग से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो चलिए मैं टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ बार दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये वीडियो आप कंटिन्यू फुल वाज तो आज कीजिए तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको बहुत ही क्लियर करके देखाऊँगा समझाऊंगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को कि ये जो चाइना कलर किट है जो मार्केट के अंदर अधिक देखा जाता है तो इसका जो पावर सेक्शन होता है पावर सप्लाई होता है मेनली जो हॉट सेक्शन ये जो हॉट सेक्शन जब खराब हो जाता है प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद ये रिपेयर करना बहुत टफ हो जाता है मेरे न्यू टेक्नीशियन का पास तो सबसे जो डाउट बात होता है कि इसका अंदर कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो जाएगा तो ये पावर प्रॉब्लम होगा और इसका जो आउटपुट वोल्टेज कुछ भी आउटपुट नहीं होगा हो सकता है पावर सप्लाई से फॉल्ट होगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज हाई निकलेगा हो सकता है लो आउटपुट सप्लाई भी आउटपुट हो सकता है तो चलिए मेनली पावर सेक्शन जब ओके होगा तो ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है तो दोस्तों ये एस टी आर पावर सप्लाई नहीं है इसका अंदर ट्रांजिस्टर है तीनों पिन वाला ठीक है तो ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई का अंदर ये जो हॉट सेक्शन है जो बॉर्डर है इसका अंदर कौन पोजीशन का अंदर कितना फूल मिलता है वो आपको ये वीडियो का अंदर टेस्ट करके देखाऊँगा मेरा पास ये जो तीनों मीटर है ये तीनों मीटर का अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा तो चलिए ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए ठीक है दोस्तों तो फर्स्ट आपको दिखाऊंगा ये मीटर लेके ये मीटर का मॉडल नंबर आप देखिए मास्टेक कंपनी का ठीक है और चलिए ये मीटर बहुत दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ ठीक है पाँच साल हो गया तो ये मीटर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है लॉन्ग टाइम भी चलता है ठीक है और उसके बाद ये मीटर दोस्तों बहुत अच्छा सा रीडिंग देता है कुछ भी डिफरेंस ये मीटर का साथ ये मीटर का नहीं है बट इसका अंदर बहुत कुछ फैसिलिटी है जो दोस्तों इसका अंदर नहीं है तो थोड़ा सा डिफरेंस ये पावर वोल्टेज चेक करने का समय जो मिलेगा आपको वही देखूंगा ये वीडियो के अंदर ठीक है और ये मीटर से आपको चेक करके नहीं देखूँगा बट आपको कुछ नॉलेज शेयर करूँगा प्रैक्टिकली जो नॉलेज दोस्तों ये मीटर मेरा पास बहुत है बहुत पड़ा हुआ मीटर है तो इसीलिए मीटर को यहाँ पर रखा हूँ बहुत न्यू टेक्नीशियन का पास यही मीटर देखा जाता है तो दोस्तों पावर वोल्टेज चेक करने का समय ये मीटर आप खराब कर सकते हो तो किस लिए ख़राब हो जाता है वो भी आपकी वीडियो के अंदर डिटेल्स बताऊँगा ठीक है तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ ठीक है तो सर सप्लाई देने का पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एसी सप्लाई इन होता है ठीक है तो जो एसी सप्लाई मेन लाइन का अंदर होता है उसी के ऊपर यहाँ पर वोल्टेज डिपेंडेड है 220 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट ठीक है जो फिक्स्ड सप्लाई होता है तो इसी से थोड़ा हाई हो सकता है इसी से थोड़ा लो हो सकता है इसी का हिसाब से ये कैपासीटर पर वोल्टेज आता है ठीक है तो यहाँ पर जितना वोल्ट आएगा कैपेसिटर के अंदर उसी से हाई वोल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज वैल्यू हर हाँ टाइम हाई होता है ठीक है साढ़े तीन सौ से चार सौ वोल्ट साढ़े चार सौ वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ होता है तो इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है ठीक है तो दोस्तों ये चारों डायोड ए सी को डी सी जो वोल्टेज बनाता है वो डी सी वोल्ट ये मेन फिल्टर बड़ा वाला कैपेसिटर पर आता है ठीक है ये कैपेसिटर पर आने के बाद ये पार्ट सेक्शन का ये बीच में कॉयल हो सकता है जम्पर हो सकता है ठीक है मोटा वाला लोड रजिस्टर भी हो सकता है ये पोजिशन तो यह सब वोल्टेज आता है और ये जाता है कि चॉपर का एक पिन पर ठीक है और चॉपर का ये पिन पर आने के बाद इसका अंदर एक इंटरनल कॉयल है ये कॉयल का थ्रू जाता है ये पिन पर ठीक है और ये सप्लाई जाता है ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन ठीक है और एस्टेयर होगा तो एसटेयर का एक सप्लाई पिन होता है यहाँ पर आता है तो ये मेन सप्लाई इनपुट का प्रोसेस है जब दोस्तों ये सप्लाई यहाँ पर आएगा तो उसका साथ ये कॉयल का अंदर ये जो दो पॉइंट है ठीक है ये जो दो पॉइंट है यह से अलग से एक वोल्टेज आउटपुट होता है तो कितना वोल्ट आउटपुट होता है ये भी आपको वीडियो के अंदर देखूँगा दोस्तों ये अलग से एक सर्किट है ठीक है ये सर्किट से एक जो ये सर्किट से एक रेगुलेटर वोल्टेज ठीक है ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर देता है तो दोस्तों ये बेस पिन है ये बेस पिन पर जब ये सर्किट सेक वोल्टेज यहाँ पर आएगा तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर तब स्विचिंग होगा तब ये ट्रांजिस्टर पूरा तरह से काम करेगा तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने के बाद और ये सेक्शन प्रॉपर तरह तरीका से काम करने का बाद इसका सब कुछ वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है क्लियर हो गया तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ये हॉट सेक्शन का अंदर कौन पोजीशन में कितना वोल्ट मिलेगा ये आपको वीडियो के अंदर क्लियर करके देखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा ठीक है फर्स्ट आपको ये मीटर लेके देखूंगा ठीक है तो चलिए इसीलिए मीटर को मैं यहाँ पर रखता हूँ और चलिए मैं आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ देखिए मैं सप्लाई दे दिया देखिए दोस्तों इसकी इंडिकेटर ऑन है इसका ये स्टेप ही ऑन है तो इसका फर्स्ट जो सिक्स हंड्रेड डी सी रेंज पर देखिए मैं मीटर को रखा हूँ क्योंकि कैपासीटर का अंदर टू हंड्रेड वोल्ट का ऊपर आ जाता है और मीटर का नेगेटिव देखिए यहाँ पर मैं कनेक्ट किया कैपासीटर का नेगेटिव का साथ ठीक है तो मेन फिल्टर कैपासीटर पर अभी कितना वोल्ट देखिए थ्री हंड्रेड 30 थर्टी वोल्ट का आसपास तो दोस्तों आपका इलाका का अंदर ये ए सी सप्लाई जितना होता है इसी से इसका ऊपर ये डिपेंडेड है थोड़ा सा लो और हाई हो सकता है थोड़ा सा ठीक है तो मतलब साढ़े तीन सौ वोल्ट का आसपास यहाँ पर वोल्टेज देखा जाता है और यही वोल्टेज जाता है बीच में जम्पर है कॉयल भी हो सकता है यहाँ पर जाता है और ये जाता है चॉपर का एक पिन पर तो दोस्तों ये पॉइंट का आप नोट कीजिए जब पावर सेक्शन काम करेगा पावर सेक्शन ओके होगा ठीक है ये सेक्शन और ये ट्रांजिस्टर जब स्विचिंग होगा इसी कंडीशन पर सप्लाई यहाँ पर जितना इन होगा अब देखिए फॉलो कीजिए इसका आउटपुट पर मतलब ये कॉयल पर वोल्टेज ये मीटर से प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा आप अच्छा करके फॉलो कीजिए किस तरह वोल्टेज मीटर पर शो हो रहा है अब मीटर को फॉलो कीजिए देखिए दोस्तों ये मतलब जीरो से जीरो हो गया और इसी तरह वोल्टेज इसी तरह देखने लगता है तो दोस्तों लॉन्ग टाइम यहाँ पर टच करके रखेगा तो ये मीटर भी फॉल्ट हो सकता है क्लियर हो गया दोस्तों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है अब देखिए इसका इनपुट पर कितना वोल्ट थ्री हंड्रेड थर्टी वोल्ट के आसपास और यहाँ पर मैं जब टेस्ट करूँगा देखिए इस तरह ये शो हो रहा है मतलब यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है इस तरह लगता है बट दोस्तों ये यह, यह मीटर के अंदर बहुत ही हाई वोल्ट मतलब ये सिक्स हंड्रेड रेंज है इसी से हाई वोल्ट लागे आ रहा है ठीक है तो इसीलिए शो नहीं हो रहा है क्लियर हो गया तो दोस्तों इसी टाइम आपको बताना चाहता हूँ ये जो मीटर है ये मीटर लेकर आप टेस्ट करेगा तो ये मीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा बार दोस्तों ये मीटर का अंदर देखिए हजार वोल्ट का रेंज है आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो तब भी दोस्तों ये मीटर खराब हो जाएगा क्यों खराब हो जाता है ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए ठीक है तो दोस्तों ये कंडीशन आपको जो वोल्टेज दिखाया आपको ये मीटर लेके भी एक बार देखूँगा ठीक है उसका बाद चलिए आपको जो बताना चाहता हूँ इसी तरह सेम कंडीशन होता है कि इसका जो आउटपुट ठीक है ये जो आउटपुट तो ये आउटपुट जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है ये कलेक्टर पिन पर वोल्टेज चेक करने का समय प्रॉपर वोल्ट देखने को मिलेगा जब ई एस टी ऑन हो जाएगा ठीक है और जब ई एस टी नहीं बनेगा उसी समय ई एस टी सप्लाई जितना दिखेगा तो सेम सप्लाई यहाँ पर देखने को मिलेगा सेम तरह ये कैपेसिटर पर जितना वोल्ट मिल मिलेगा जिस टाइम ये पावर सेक्शन काम नहीं करेगा मतलब पावर सेक्शन खराब हो जाएगा सेम वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा ये मीटर के अंदर ठीक है इसी तरह बहुत मीटर मार्केट के अंदर देखा जाता है तो इसी तरह मीटर ये सेम मॉडल नहीं हो सकता है बट इसी तरह मीटर तो ये भी आपको लास्ट बताऊंगा तो आप फॉलो कीजिए और चलिए इसका अलग अलग और कुछ वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो ये आउटपुट वोल्ट आपको दिखाया और उसके बाद चलिए ये बेस पिन है बेस पिन पर कितना वोल्ट मिल रहा है देखिए आप और तो चलिए मीटर को थोड़ा डाउन करके दिखाता हूँ बेस पिन पर देखिए पॉइंट जीरो पॉइंट लिखिए सिक्स वोल्ट वन टू थ्री फाइव सिक्स इसका अंदर ये फैक्चुलेट हो रहा है अब मीटर पर ध्यान दीजिए बेस पिन के अंदर ये सिग्नल आता है तो दोस्तों ये सिग्नल एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करने के लिए तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी स्विचिंग कर रहा है तो इसी तरह वोल्टेज शो हो रहा है आप फॉलो कीजिए तो ये ऑन कंडीशन मतलब रनिंग कंडीशन पर है ये पीसीबी और दोस्तों ये नेगेटिव यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ये नेगेटिव है तो ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज आपको पता है उसका बाद चलिए मेन कुछ वोल्टेज आपको देखना चाहता हूँ देखिए ये जो कैपासीटर है ये कैपासीटर से दो सीरीज रजिस्टेंस है देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए वन हंड्रेड फिफ्टी नाइन वोल्ट का आसपास और यह से हर सीरीज रेजिस्टेंस इधर है यह पर कितना वोल्ट अब फॉलो कीजिए इलेवेन वोल्ट का आसपास, ठीक है और ये सप्लाई कहाँ पर जाता है देखिए ये जाता है यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर पिन पर अब फॉलो कीजिए और यहाँ से दोस्तों इधर एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस पिन पर ये वोल्ट मिलता है अब देखिए टेन इलेवेन वोल्ट का आसपास थोड़ा सा वोल्टेज वन वोल्ट इधर उधर भी हो सकता है तो चलिए उसका बाद आपको ऑप्टो कपलर का वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ ऑप्टो कपलर का ऊपर पिन पर कितना वोल्ट ये ऑप्टो कपलर का ऊपर पिन पर देखिए टेन पॉइंट इलेवन इस तरह टेन 11 वोल्ट का आसपास और इसका नीचे पिन पर तो दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है क्लियर हो गया और ये जो वोल्टेज तो दोस्तों ये जो वोल्टेज जाता है आपको ये जो आपको देखाया इलेवेन ट्वेल्व वोल्ट का आसपास तो ये लाइन जो जा रहा है देखिए यहाँ पर एक डायड है ऊपर से नीचे ठीक है यह पर डायड है यहाँ पर इतना वोल्ट देखिए इलेवन पॉइंट वन वोल्ट और ये डायट का ऊपर अब अच्छा का ध्यान दीजिए ये डायट का ऊपर मतलब ये पोजिशन कितना अब के वोल्ट आप अच्छा का ध्यान दीजिए वन पॉइंट फाइव वोल्ट देखिए वन पॉइंट फाइव सिक्स सेवन इस तरह वोल्ट ठीक है और यहाँ पर आप नोट कीजिए कि ये जो चॉपर का नीचे वाला दो पॉइंट है ठीक है ये चॉपर का नीचे वाला दो पॉइंट है ये पॉइंट पर कितना वोल्ट देखिए ये ए सी वोल निकलता है तो इसीलिए कुछ भी वोल्टेज सो नहीं हो रहा है यहाँ पर दोस्तों कुछ भी वोल्ट सोल नहीं हो रहा है बार दोस्तों ये जो नीचे का पॉइंट है ये लाइन से दोस्तों देखिए एक डायोड है जो पावर सेक्शन का अंदर एक काला वाला डायोड देखा जाता है तो ये डायोड का पॉजिटिव साइड यहाँ पर कितना वोल्ट अब फॉलो कीजिए वन पॉइंट सेवन एट वोल का आसपास दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है तो ये वोल्ट नहीं आउटपुट होगा यहाँ पर इतना वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं होगा ये पावर सेक्शन का अंदर मतलब इसका आउटपुट कुछ भी इधर नहीं आएगा क्लियर हो गया और उसके बाद चलिए यहाँ पर जो आर ट्रांजिस्टर है तो ये जो ट्रांजिस्टर का एक पिन नेगेटिव है दोस्तों ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है इसका मिडिल पिन पर जो वोल्टेज देखिए जीरो पॉइंट टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसका अंदर ही वोल्ट है तो दोस्तों एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन से ठीक है ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन से ये पावर मेन ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर सिग्नल आता है तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर कितना वोल्ट अब देखिए कलेक्टर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है आप अच्छा करके फॉलो कीजिए कलेक्टर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है आप ये नोट कीजिए ठीक है दोस्तों और आपको क्या देखाऊंगा कि उसका बाद चलिए मेरा पास और एक जो मीटर है तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि कंटिन्यू ऑन है कुछ टाइम के अंदर स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा ये नेगेटिव को मैं हटाया और इसका नेगेटिव ये मीटर का नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए ये जो मीटर का नेगेटिव कनेक्शन किया तो दोस्तों ये डी एम मॉडल का तो चलिए इसका ये डी रेंज है ठीक है तो यहाँ पर आप सो देख सकते हो डीसी ठीक है तो ये मीटर का अंदर अभी जो वोल्टेज चेक करके देखूंगा तो चलिए कोई बात नहीं लाइट ऑन करने का जरूरत नहीं है तो आप फॉलो कीजिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ देखिए मैं सप्लाई दे दिया सप्लाई देने का बाद यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है कैपेसिटर का पास आप फॉलो कीजिए थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू वोल का आसपास ठीक है अब नोट कीजिए ये जो वोल्टेज जा रहा है ये जो चॉपर का अंदर यह पर भी इतना वोल्ट मिल रहा है तो दोस्तों ये पावर सेक्शन ओके है इसका आउटपुट वोल्टेज सब कुछ ओके है और ये जो वोल्टेज आपको देखाया जो पहले मीटर का अंदर अभी इसी टाइम फॉलो कीजिए देखिए मैं टच करके आपको तो दिखाता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर टच किया कितना वोल्ट मिल रहा है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर वोल का आसपास तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज सो हो रहा है फॉलो कीजिए पर दोस्तों ये मीटर का अंदर वोल्टेज इतना हाई देखा है कि मीटर का अंदर शो नहीं हुआ क्लियर हो गया तो चलिए उसका बाद ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर जो सिग्नल होल्ड जो स्विचिंग करने के लिए जो आता है देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए जीरो पॉइंट फाइव तो दोस्तों ये देखिए जीरो पॉइंट फाइव तो दोस्तों ये फैक्चुरेट देखने को नहीं मिल रहा है जीरो पॉइंट फाइव और दोस्तों आप फॉलो कीजिए ये जो जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर आप फॉलो कीजिए तो देखने को मिलेगा कि माइनस जीरो पॉइंट फाइव आप यहाँ पर अच्छा लोग ध्यान दीजिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस सिम्बल आ गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव ठीक है आप अच्छा का ध्यान दीजिए दोस्तों ये माइनस भी आपको नहीं दिखा है ये मीटर के अंदर भी माइनस मि, मिला ठीक है आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हो तो चलिए उसका बाद ये जो ब्लैक वाला डायर है ठीक है ये डायट का पॉजिटिव साइड पर कितना वोल्टो ओ मीटर का अंदर आपको दिखाया देखिए वन पॉइंट सिक्स वोल्ट क्लियर हो गया तो चलिए ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन आपको ये बेस पिन पर वोल्टेज दिखाया ठीक है उसके बाद चलिए इसका कलेक्टर पिन पर कितना वोल्ट देखिए माइनस जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट जो दोस्तों पहले मीटर का अंदर आपको जीरो वोल्ट देखा है कुछ भी वोल्टेज नहीं शो हो रहा है तो अभी ये मीटर पर माइनस जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट इस तरह यह शो हो रहा है क्लियर हो गया उसका बाद चलिए ये जो दो सीरीज रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का बाद यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है 166 वोल्ट और बाद ये जो रेजिस्टेंस सीरीज है यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है देखिए 11.14 वोल्ट फिक्स्ड है ठीक है दोस्तों और ये सप्लाई जो जा रहा है ये ट्रांजिस्टर का एक पिन पर और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का ये पिन पर एक रेजिस्टेंस है यह पर थोड़ा सा वोल्टेज लो है क्लियर हो गया और ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो ये ऑप्टो ब्लर्ट का नीचे पिन है ये पिन का साथ कनेक्शन है दोस्तों ये पिन पर भी वोल्टेज नहीं है और दोस्तों मीटर पर जीरो पॉइंट थ्री ये शो हो रहा है तो चलिए इसका जो ऑप्टो ब्लर्ट का ऊपर पिन ये साइड ठीक है देखिए टेन पॉइंट सेवन वोल्ट शो हो रहा है क्लियर हो गया तो दोस्तों चलिए उसका बाद इसका जो डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ कि चलिए मैं सप्लाई ऑफ का आपको दिखाना चाहता हूँ और उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यह पर तीनों डायड है ठीक है तीनों डायड है तो दोस्तों ये एक डायड है फोर वन फोर एट का ये पॉजिटिव साइड है डायट का आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है और यहाँ पर दो डायट का कनेक्शन है ठीक एक साथ दो डायोड कनेक्शन है यहां पर यहां पर दोस्तों नाइन वोल्ट है नाइन पॉइंट टू वोल्ट ठीक है नाइन पॉइंट टू वोल्ट दो डायोड है दो डायोड डायट एक्स कनेक्शन है बट ये साइड ये साइड ये देखिए चॉपर का जो नीचे पिन है ये लाइन का साथ कनेक्शन है एक डायोड तो यहां पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है ठीक है यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है बट दोस्तों ये दो डायोड जो एक्सत कनेक्शन है इसका ऊपर जो डायोड है यहाँ पर जो वोल्टेज जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट आप फॉलो कीजिए जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट ठीक है इस तरह इसका पास वोल्टेज आ रहा है क्लियर हो गया मतलब इसका मेन मेन वोल्टेज आपको देखा दिया और इसका डिफरेंस भी आपको देखा है चलिए मैं सप्लाई आप करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहा है ये पोजिशन का अंदर और ये मीटर ये मीटर से यहाँ पर वोल्टेज नहीं शो हो रहा है ठीक है और आपको बात है ये मीटर लेकर टेस्ट करेगा तो ये मीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा मैं प्रैक्टिकली देखा तो इसका डिफरेंस आप अच्छा करके फॉलो कीजिए मैं आपको बहुत क्लियर करके देखाऊंगा कि ये तीनों मीटर का डिफरेंस क्या है और आपको मैं क्वेश्चन करूंगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स का अंदर देने के लिए कोशिश कीजिए देखिए दोस्तों ये मीटर का जो डिफरेंस है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यह पर ये जैक का अंदर देखिए इसका ये देखिए सी Part टू सिक्स हंड्रेड होल इसी तरह लिखा है ये कार्ट पोजीशन को का आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों इसी तरह मीटर होगा तो वो मीटर का अंदर वो पोजीशन में वोल्टेज वो देखने को नहीं मिलेगा अब के ध्यान दीजिए थ्री ए टी डबल आई ठीक है एक्चुअली दोस्तों ये टू है इसी तरह और ये जो मीटर है ये मीटर का अंदर आप यहाँ पर ध्यान देगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर वन थाउजेंड भी सी ए टी थ्री ठीक है और सिक्स हंड्रेड भी कार्ड फाइव फोर ठीक है आई भी मतलब फोर तो इसी तरह जो मीटर है इसका अंदर वोल्टेज देखने को मिल रहा है अब क्लियर कीजिए नोट करके रखिए कि ये जो पोजीशन ये कार्ड मतलब क्या है ये वोल्टेज कार्ड मतलब क्या है ये कार्ड मतलब क्या है ठीक है और ये जो मीटर देखिए ये मीटर का अंदर ये पोजीशन कुछ भी काट लिखा नहीं है तो दोस्तों कुछ भी काट लिखा नहीं है बट दोस्तों ये काट के ऊपर मैं एक वीडियो के अंदर डिटेल्स बताया और आप वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर प्ले चेक करके देख सकते हो और ये काट का मतलब क्या है आप जरूर कमेंट करके बताए ठीक है दोस्तों तो ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया तो चलिए एक बार आपको क्या देखा 110 हंड्रेड टेन कि ये प्रॉपर ये एस बन रहा है कि नहीं ये भी आपको एक बार दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपका मन में डाउट आ जाएगा तो इसीलिए ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव निगे, को रख के आपको इसका वोल्टेज चेक करेगा तो प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये नेगेटिव पर रख के मतलब ये हॉट सेक्शन का जो नेगेटिव है यह पर नेगेटिव रख के इसका आउटपुट मतलब कूल सेक्शन का नेगेटिव वोल्टेज चेक करेगा तो प्रॉपर मिल देखने को नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिकली न्यू टेक्नीशियन को मैं देखाना चाहता हूँ मैं सप्लाई दे दिया देखिए इसका इंडिकेटर ऑन है देखिए ये वन हंड्रेड टेन वोल जो लाइन है इसका अंदर कितना वोल्ट आ रहा है वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स वोल्ट तो दोस्तों ये प्रॉपर वोल्ट नहीं है ठीक है देखिए वन हंड्रेड टेन वोल लाइन का अंदर वन हंड्रेड थर्टी वन वोल्ट इसी तरह सो हो रहा है प्रॉपर वोल्ट नहीं है और इसका नीचे जो रेजिस्टेंस है ट्वेंटी सिक्स वोल्ट लाइन के अंदर यह पर देखिए सेवेंटी सिक्स वोल्ट शो हो रहा है देखिए और सेवेंटी सेवन इसी तरह यह प्रॉपर वोल्ट पर नहीं है और उसका बाद देखिए सिक्सटी सेवन वोल्ट शो हो रहा है यह प्रॉपर वोल्ट पर नहीं है और साउंड आईसी सप्लाई जो फिफ्टीन वोल्ट के आसपास होना चाहिए देखिए ये भी प्रॉपर नहीं शो हो रहा है ठीक है तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ अब करने के बाद ये नेगेटिव को मैं ये कुल सेक्शन का नेगेटिव का अंदर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ ठीक है अभी मैं नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्शन किया ठीक है ये कनेक्शन किया नेगेटिव को तो चलिए अभी इसी टाइम वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ सप्लाई दे दिया और ये वन हंड्रेड टेन वोल्ट लाइन का कितना वोल्ट आ रहा है देखिए वन हंड्रेड ट्वेल्व वोल्ट तो दोस्तों ये प्रॉपर वोल्ट है और उसके बाद देखिए ट्वेंटी सिक्स वोल लाइन का अंदर देखिए प्रॉपर ट्वेंटी सिक्स वोल्ट है ठीक है और रेगुलेटर सेक्शन देखिए इलेवेन टेन वोल्ट के आसपास ये भी प्रॉपर है और साउंड आईसी सप्लाई वोल्ट देखिए फिफ्टीन वोल्ट प्रॉपर है ठीक है दोस्तों तो देखिए ई सप्लाई जितना होता है ठीक है इसी तरह सेम सप्लाई जब ई नहीं बनेगा तो इसका जो कलेक्टर पिन है यह पर वोल्टेज सेम देखने को मिलेगा बार दोस्तों अभी ई बन रहा है तो ई जब बनेगा तो यह पर वोल्टेज आप टेस्ट मार्च कीजिए आपका पास इसी तरह मीटर है तो

टेट वोल्ट तो दोस्तों मैं कुछ भी पिक्चर ट्यूब का साथ एव कॉयल का साथ कनेक्शन नहीं किया है तो इसलिए इस तरह वोल्ट शो हो रहा है और ये कॉल कनेक्शन करेगा तो इसका वोल्टेज वन हंड्रेड एट्टी वोल्ट के आसपास हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो अलग अलग ये कॉल कनेक्शन करेगा तो वोल्टेज भी अलग अलग हो जाता है तो ये तो हो गया और ये मीटर के अंदर आप खुद ही देखिए ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज जा रहा है ये लाइन का अंदर देखिए आपको मीटर लेके टेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों देखिए यहाँ पर इतना वोल्ट शो हो रहा है 114. देखिए ये मीटर का अंदर ये शो हो रहा है क्लियर हो गया तो उसका बाद चलिए ये जो मीटर है ये मीटर लेकर आपका एक बार टेस्ट करके दिखाऊंगा ठीक है तो चलिए मीटर का ए, ये नेगेटिव कोड आउट कर देता हूँ और उसके बाद ये नेगेटिव पर्ड मैं यहाँ पर कनेक्ट करके आपको सामने मैं लाइव दिखाता हूं प्रैक्टिकली दिखाता हूं कुछ भी मैं छेड़छाड़ नहीं किया ठीक है छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मन में कुछ भी डाउट ना हो जाए देखिए दोस्तों यहाँ पर ई सप्लाई कितना आ रहा है वन हंड्रेड थर्टीन वोल के आसपास ठीक है दोस्तों देखिए ई पर जा रहा है और ई एस टी बन रहा है कि नहीं यहाँ पर वन हंड्रेड एटी वोल लाइन पर चेक कीजिए देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है वन हंड्रेड फिफ्टी वोल के आसपास ठीक है और इसका आउटपुट पर देखिए दोस्तों आपको बातें यहाँ पर देखिए मैं टच करके आपको दिखाता हूँ फॉलो कीजिए देखिए दोस्तों कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है तो इसी टाइम आप लॉन्ग टाइम रखेगा तो ये मीटर भी फॉल्ट हो सकता है ठीक है दोस्तों तो ऐसा करता हो मैं ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर एक न्यू चैनल बना के रखा हूँ वो चैनल का लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर चैनल का लिंक देख के रखा हूँ ठीक है तो वो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो मैं आप सब लोगों के लिए आप ही आपका रिक्वेस्ट से ही व्यूअर्स का रिक्वेस्ट से ही मैं एक ग्रुप बनाया दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप बनाया ठीक है व्हाट्सअप जैसा काम करता है तो आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा करने के बाद वहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हो आराम से ऑडियो वीडियो सेंड कर सकते हो आप आसानी से सब कुछ डिस्कस कर सकते हो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए